अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंडन। पुछ पतंगन के सदियों खामण खबरों आण्यो विझन आग में जियो पहजो जे जेरे जिन्हें जे लगा निजा नीह जा। भलारे बिट धणी जे भलारे बैत सा मुझी आवाज़ मुसाफिर जै जै माग बुझे पियो मिनी मेहरबान के सिक भरो सलाम शाल कबूल पवे। 26 जून 2021 छंछर जे डी सोचन जी सुरहान जड़ो प्रोग्राम सोच विचार साण करे आवां जी खिदमत में हाजिर खिदमत आवां जो पेंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरुआत में आवां लई आई दुआ त शाल जित हुजो सुख सलामती सां हुजो कदें भी दुख्यो डी न डिसो कदें भी आवां जी मुर्क मेरी न थे कदें भी आवां जा मोड़ न मुरझाएजन। जित हुजो पंजन लाइ जाखोड़ींदा रहो पंज धरती लाइ सॾु वरनाईंदा रहो उहे सुजागी जा सॾु जेके इनकलाब जी आमद जो पैगाम आहिनि। मञू था त इल्म इंसान जी टी अख आहे पर इल्म जे हासिलात वारो सफ़र केॾो कठिन थींदो पियो वञे इहो बि पाण माण्हू बख़ूबी ॼाणूं था। हिकिड़ो इल्म उहो हूंदो आहे जेको माण्हू इदारनि मां पिराईंदो आहे प्राइमरी खां वेंदे मेट्रिक इंटर ऐं पोइ यूनिवर्सिटी नारनि जो सफ़र ऐं पोइ डॉक्टरी जी डिग्री ताईं माण्हू छा नथो करे केॾा जतन थो करे पढ़ण लाइ डिग्रियुनि लाइ ऐं इल्म लाइ। ऐं ॿियो इल्म उहो हूंदो आहे जेको पाण किताबनि मां पिराईंदा आहियूं पाण वॾड़नि खां सिखंदा आहियूं ऐं पाण दुनिया जे उन्हनि दानिश्वरनि ऐं ॾाहनि खां सिखंदा आहियूं जेके इंसानियत लाइ उत्तम जदोजहद करे केतिरा ई अमल किताब छॾे विया। इल्म जी हासिलात लाइ पाण खे तालीमी इदारनि में पढ़णो पवे थो इहो ज़रूरी आहे ऐं ज़िंदगी जो हिसो बि आहे। तालीम खां सवाइ माण्हू अणपूरो आहे पर तालीम केतिरी मुहांगी थींदी पई वञे पाण इहो बख़ूबी ॼाणूं था। ग़रीब माण्हू जंहिं लाइ ॿिनि वेलण जी मानी बि मुश्किल बणियल हुजे सच त इहो आहे उन माण्हू लाइ पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾियारणु बि वॾो मसइलो बणियलु हुजे थो। ताज़ो सिंध यूनिवर्सिटी पारां फीअनि में वाध कई वई आहे ऐं उन्हनि फीअनि ख़िलाफ़ शागिर्द सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। शागिर्द सियासत ते अण ऐलानियल मार्शल आर्ट जहिड़ी सख़्तु पाबंदी जे करे यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया जूं मनमानियूं त पंहिंजी जॻहि ते वधियूं ई वधियूं आहिनि पर फीस बि एतिरी वधी आहे जो ग़रीब माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए बि नथो सघे। काल कालोकी ॻाल्हि आहे 2011 जो साल हो सिंध यूनिवर्सिटी जी दाख़िला फीस 6,500 रुपया हुई ऐं ॿिए साल में वरी उहा फीस घटि थींदी वेंदी हुई पर हींअर दाख़िला फी लाइ बि घटि में घटि 22,000 रुपया भरणा पवनि था। उनखां अलावा मुख़्तलिफ़ मदनि में माण्हू ऐं ॿियूं फीसूं भरींदो थो रहे डिग्रियूं कढाइण मार्कशीटूं कढाइण में बि पैसा ख़र्च अचनि था उहे फीसूं बि आसमान सां ॻाल्हियूं करे रहियूं आहिनि। सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया उचितो सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ंदड़नि शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणी जे फीसनि में ॻाटे टोड़ इज़ाफ़ो कयो जंहिं फ़ैसिले ख़िलाफ़ु सिंध यूनिवर्सिटी जा शागिर्द ऐं शागिर्दाणियूं सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। इन सिलसिले में क्लासनि जो बाइकाट कयो वियो मुख़्तलिफ़ शोबनि खां रैलियूं कढी 0 पॉइंट ते गॾु थी हज़ारे शागिर्दनि रैली कढी अॻिते वधण जी कोशिशि कई त पुलिस ऐं यूनिवर्सिटी जे सिक्योरिटी अमले रोड ते पुलिस मोबाइलूं ऐं ॿियूं गाॾियूं बीहारे रैली खे रोकण जी कोशिशि कई पर शागिर्द ज़ोरदार नारेबाज़ी कंदा रुकावटूं टोड़े अॻिते वधंदा रहिया। अलामा आया काज़ी चौक ते क़ाइमु पोस्ट ते मुक़ररु अमले ऐं पुलिस बैरियर ऐं ॿियूं रुकावटूं रखी शागिर्दनि जी रैली खे पूरी ताक़त सां रोकण जी कोशिशि कई। हज़ारे शागिर्दनि सभु रुकावटूं हटाए नारेबाज़ी कई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आर्ट गैलरी जे मुख्य गेट वटि पहुची धरणो हणी वेही रहिया। उन दौरान यूनिवर्सिटी जे सिक्योरिटी अमले शागिर्दनि खे धिकारे उथारण जी कोशिशि कई पर शागिर्दनि धरणो ख़तमु करण खां इनकार करे छॾियो। बेनज़ीर गैलरी में हलंदड़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूदु पीपी जो सूबाई सदर निसार खोड़ो यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर खे साण करे शागिर्दनि जे धरणे में पहुची वियो
ऐं शागिर्दनि सां ॻाल्हियूं कंदे खिन राज़ी करण जूं कोशिशूं कंदो रहियो ऐं शागिर्दनि खे हुन चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वफ़ाक़ जे हेक क़ाइमु कयो वेठी आहे ऐं यूनिवर्सिटी लाइ फंड ॾियण लाइ तयारु न आहे। जंहिं ते हिकु शागिर्दाणी खेसि चई ॾिनो, अरिड़हीं तरमीम बाद सिंध ख़ुदि मुख़्तियार आहे, यूनिवर्सिटियुनि खे फंड वफ़ाक़ न पर सूबाई हुकूमत जो कमु आहे। अवां जी ज़िमेवारी आहे त यूनिवर्सिटियुनि जी माली मदद करियो। जंहिं ते निसार खोड़े शागिर्दनि ॾे मुखातिब थींदे चयो त वधायल फीसनि मां 50% घटायूं था। शागिर्दनि खोड़े जी हुन ॻाल्हि खे रद्द कंदे मुतालबो कयो त वधायल फीस वारो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। जंहिं बाद खोड़ो वापसि कॉन्फ्रेंस हॉल में हलियो वियो ऐं शागिर्द वधीक धरणो जारी रखी नारेबाज़ी कंदा रहिया। उन मौक़े ते शागिर्दनि ज़ुहैब लाखू, हालार जमाली, शहज़ाद चांडियो, ग़ुलाम मेहंदी, अल्ताफ़ जुणे जो, आजिज़ लाशारी ऐं ॿियनि साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त जेकॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया अहिड़ो तालीम दुश्मन ऐं अहिड़ो ज़ुल्म जारी रखियो त ईंदड़ नसल सिंध यूनिवर्सिटी में तालीम हासिलु करे न सघंदो। मादरे इल्मी में ग़रीब शागिर्दनि जी हर तरह सां रस्ता रोक कई पई वञे, पर असां इंतिज़ामिया ऐं तालीम दुश्मन अंसरनि जूं अहिड़ियूं साज़िशूं कामयाबु थियणु न ॾींदासीं। इंतिज़ामिया यूनिवर्सिटी अंदरि करप्शन मथां करप्शन करे रही आहे ऐं उहो ॿार फीसनि जी मद में असां शागिर्दनि मथां मड़ियो वियो आहे। हुन चयो त जेकॾहिं यूनिवर्सिटी खसारे जो शिकार थी आहे त उहो इंतिज़ामिया जी करप्शन जे करे थी आहे, जंहिंजो समूरो ॿार वरी असां ग़रीब शागिर्दनि ते विधो वियो आहे। असां त इहा उमेद करे वेठा हुआसीं त कोरोना जे करे ग़रीब शागिर्दनि जूं फीसूं माफ़ु कयूं वेंदियूं, पर माफ़ु करण बदिरां फीसनि में ॻाठे टोड़े इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हुननि चयो त पंहिंजे जाइज़ मुतालबे लाइ पुरमन इहतजाज करण ते यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया पारां पुलिस जा वॾा अटाला ऐं कुझु इदारनि जा माण्हू घुराए असांजी रस्ता रोक कई पई वञे। असांखे गिरफ़्तार करे काल कोठरियुनि में बंदि करण ऐं केस दाख़िल करण जूं धमकियूं ॾेई हिरासां कयो पियो वञे। असां सिंध यूनिवर्सिटी जा पुरमन ऐं बाशहूर शागिर्द आहियूं। असांखे दहशतगर्द न आहियूं जो इंतिज़ामिया केसनि जूं धमकियूं ॾेई रही आहे। असां निसार खोड़ो अॻियां इहतजाज कयो, जंहिं फीस वधाइण वारो फ़ैसिलो वापसि वठण बदिरां वधायल फीस 50% घटि करण जो चयो, जेको असांखे क़बूल न आहे। हुननि चयो त फीस वधाइण वारो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। हूअं बि जेकॾहिं ॾिठो वञे त कोरोना जी सूरत हाल जे करे यूनिवर्सिटी बंदि रही, जंहिंजे करे बिजली जी बचति थी ऐं ॿिया बि ख़र्च बचा हूंदा। उन सां गॾोगॾु तालीमी इदारनि में आयल नौकरियुनि जे लाइ हज़ारनि जी तइदाद में माण्हुनि सर्टिफिकेट कढाया। सर्टिफिकेटनि जी ॻाठे टोड़ फीस जी मद में इंतिज़ामिया जेतिरो कमायो आहे एतिरो सालनि में न कमायो हूंदो। इन बावजूद जेकॾहिं यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया शागिर्दनि जूं फीसूं वधाए पई त यकीन इहो फ़ैसिलो शागिर्द दुश्मन आहे। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया खे फौरी तौरु पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठणु घुरिजे। उन सां गॾोगॾु उन्हनि नाम निहाद अॻुवाननि खे बि पंहिंजो रवैयो दुरुस्त करणु घुरिजे, जेके पाण खे तालीमदान सॾाइनि था ऐं उहे अॼु शागिर्दनि ते चित्रूं करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जा बयान फेसबुक ते वायरल थी संदन रुसवाए जो सबबु बणिजी रहिया आहिनि। मञूं था हू बाशहूर पाण खे सॾाइनि था, मञूं था या दावा कनि था, असीं बाशहूर आहियूं, पर उहो शहूर ई कहिड़ो जेको सच ॻाल्हाइण खां रोके, उहो शहूर ई कहिड़ो जेको मुफ़ादनि हेठां दॿजी वञे। प्रोग्राम खे ध्यान ऐं मुहबत सां ॿुधण लाइ अव्हां जा लख थोरा। सोच वीचार जे सफ़र में हाण नामियारे सियासदान मज़लूमनि जे साथी उस्मान काकड़ खे भेटा पेश कंदासीं। उस्मान काकड़ खे भेटा पेश कंदे अयूब मलिक लिखे थो, हिकु अहिड़े मुआशिरे में जंहिंमें हक़ सच ऐं सबूत जी ॻाल्हि करणु हिकु अज़ियतनाक कमु हुजे, अहिड़े वक़्त में हिकु बाशहूर सियासी कारकुन मज़बूत वफ़ाक़ियत ते यकीन रखंदड़ ऐं जमहूरियत पसंदि सियासतदान उस्मान काकड़ जो विछोड़ो न रुगो पश्तून ख़्वाह मिली अवामी पार्टी जो नुक़सानु आहे, पर हुन सां गॾोगॾु पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी ऐं आइनी बालादस्ती ते कमु कंदड़ हिकु सगारे आवाज़ जो ख़ात्मो आहे। पाकिस्तान जी सियासी तारीख़ गुज़िरियल 74 सालनि खां हिकु सिधी लाइन ते हलणु बजाए
गोल दायरन में घूमती रहे थी आई इंतहाई उलझल आए जका बालग थियण जो नालो ही नथी वठे वह जडें ब कदम अगते वधण की कोशिश करे थी ता का ताकत वरी खेस छिके छह कदम पोते धिके थी छे। तारीख शायद है तो अड़े दौर में फकत उस्मान काकड़ जड़ा सियासी किरदार ही हूँ जे उन आमराणी कुत खिलाफ़ मुसलसल जदोजहद कह आवाम ले हक सच जो आवाज़ बुलंद कंदा रहा उ दुरुस्त तरीको है जैसा उन आमराणी कुतन के मुँह दई सकजे तो अड़े ही अमल से आहिस्ते आहिस्ते सियासत इर्तका कंदी रहे थी इदारा तरक्की कंदा रहन था। अज रुगो उस्मान काकड़ जो मर्तियो न थो है पर पाकिस्तान की जमहूरी इर्तका वाले सफर के पिण इंतहाई घणो नुकसान रसो है। उस्मान काकड़ बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग किला सैफुल्लाह में 1961 में पैदा थो। उन शुरुआती तालीम पंजे गोठ इलाके में हासिल कई हुई उन बाद मास्टर LLB जो डिग्री हासिल क्यों हुआ पंजे शागिर्दी वाले दौर का ही अमली सियासत में सरगर्म थी वो हो पंजो सियासी सफर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म ता शुरू कयो। तनजीम के मुख्तलिफ़ उहदन ते रहंदे हुआ 1987 में पेशावर में थींदड़ एक वड़ी कॉन्फ्रेंस में तनजीम जो सरबराह चूंडियो वो। तालीम मुकमल करण का पोए उन पंजे बाकायदे सियासी सफर की शुरुआत पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म ता कई जिंदगी के आखिरी डीहन ताई उन पार्टी से वागिल रहो। उनके छह साल वाले सीनेटर होजन वाले दौर में सन सियासी किरदार इंतहाई खुले नमूने सामू आयो। उन पंजे उन सियासी दौर में मुल्क के महकूम में मजलूम तबक के हक आवाज़ बुलंद कयो। हुआ सीनेट के इंसानी हकन की कमेटी जो मेंबर पिण रो जो सरबराह मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो। उन कमेटी के मेंबर होंदे पिंडी भिटिया के मजदूर के जबरी निकाल के खिलाफ़ भरपूर जदोजहद कई संदन हकन आवाज़ उथारो। उन पख्तून कौम की कौमी सुणप लाए तमाम घनी जदोजहद कई। उस्मान काकड़ जेतोणीक एक कौम प्रस्त अगवान हुए तूंदे भी हु मुल्क के बिन कौम की सियासी हल्कन कौम के सजा वंद हल्कन में अड़े ही नमूने बावकार मकबूल हुए जड़े नमूने पंजी कौम पार्टी अंदर बावकार मकबूल हुए। कोयटा में जडे घर अंदर खेस हादसों पेश आयो खेस कोयटा की एक अस्पताल में दाखिल कराया वो तो अस्पताल बहरा सियासी कारकुन साणस प्यार कदड़न की पेह होंदी हुई। अड़े ही नमूने जडे खेस कराची की एक खानगी अस्पताल में दाखिल कराया वो तो उत भी अस्पताल बहरा सियासी कारकुन साणस प्यार कदड़न की पेह होंदी हुई। जडे संस इंतकाल जो बाकायदा ऐलान किया वो तो अस्पताल बहरा बीठल सियासी कारकुन संस परस्तार जारो कतार हो लगा। पाकिस्तान में जडे भी जमहूरियत मुस्तहकम थी तदह एक गैर जानबदार तारीखदान काकड़ उस्मान काकड़ के किरदार के जरूर सुनहरी अखर में लिखंद। उस्मान काकड़ पाकिस्तान के सियासी कारकुन एक अड़ी राह जो तयन कर वो है जैसे हली हु 21वीं सदी में एक मजबूत जमहूरी वफाकी मुल्क तमीर कर सकता। सीनेट के अहवाल में कल संस बेबाक तकरीर सियासी शाल इंदड़ वक्त में पाकिस्तान के तालीमी निसाब जो हिस्सो थी वा अड़े नमूने हुआ हमेशा जिंदा रह। अजो तो प्रोग्राम में हाँ बेबाक अगवान उस्मान काकड़ जा जुमला बुधूँ। मुआदा ये होगा कि इसमें जो है सेनेट के इख्तियार पर कोई बात नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो है फेडरेशन यूनिट की बराबरी है लिहाजा फिर हम आगे के मुतालबात करेंगे वो मुतालबात किसी के बस में नहीं होंगे। और ये सुन ले यहां पर सिंध के आवाम बलोचिस्तान के आवाम पुश्तनख्वा के आवाम बंगालियों से कमजोर नहीं है। इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। आप हमें कमजोर समझ रहे हो इस गलतफहमी में मत रहो। जहां से आप लोग आ रहे हैं जिसके इशारे पर आप यहां पे आ रहे हैं वो उसको भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपका इख्तियार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट वालों। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का काम है कि किस तरीके से आईन होना चाहिए किस तरीके से मुल्क का कानून होना चाहिए मुल्क को किस तरीके से चलना चाहिए। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं करना चाहिए।
जो मुसलसल कर रहे हैं इस मुल्क में जो है, इस मुल्क के बर्बादी का सबब जो है ये लोग है जो मुदाखलत कर रहे हैं गैर आइनी तौर पर जो है, आइन उसको इजाजत नहीं देते हैं सियासत को जो है, ये माशी बदाले भी इसी वजह से है, ये दहशतगर्दी की सूरत हाल भी इसी वजह से है, ये जो यहाँ पे लोग मुतमहन नहीं ये भी इसी वजह से है, ये मीडिया पे पाबंदी भी इसी वजह से है, ये अदलिया पे हमलावर भी इसी वजह जो लोग हो रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब ये बहुत अहम मसला है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखला नहीं करना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट की जबान में बात कर रहे हैं, बात मसलती तौर पर यहाँ पे ये है। एम के एम ने आम जरसों में कहा है कि हम 18वीं तरमीम को नहीं मानते, हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, कोई आम बात है कोई देखी छुपी बात नहीं है जनाब चेयरमैन साहब, अभी लोग मुसलत होना चाहते हैं इस मुल्क पे जो है, इस पार्लियामेंट पे जो है, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे चेयरमैन साहब, ये लोग मजाक बना रहे हैं आइन से, पार्लियामेंट से मजाक बना रहे हैं, फेडरेशन यूनिट से मजाक बना रहे हैं, हम ठीक है वहाँ यहाँ यहाँ पर मुश्ताक साहब ने 80% सुबों का हिस्सा होना चाहिए, 20 किलोमीटर में जो है 20 लाख आबादी है, उसके लिए जो 42% है, जो 22 करोड़ आवाम है, इतनी बड़ी बड़ा मुल्क है, उसके लिए जो है सिर्फ 57-56% है। जनाब चेयरमैन साहब लोग मजाक बना रहे हैं, यहाँ पे लोग हक भी है, पार्टियां हक भी है कि हर गैर जमहूरी अमल का, हर गैर जमहूरी हरकत का जो है इंशाल्लाह हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम पार्लियामेंट पे और पार्लियामेंट के बाहर जो है। जनाब जी गफूर हैदरी साहब सोच विचार के सफर में हाण नामियारे शायर अहमद खान मदहोश की वर्सी के मौके ते खेस भेटा पेश कंदासी, सब का पहिरिया अहमद खान मदहोश जो तारुफ शामिल कंदासूं जेको असा चूंड कयो है अवां जे लाए सिंधियाना इंसाइक्लोपीडिया मां। नामियारो शायर अहमद खान वल्द हाजी खान हाजी फकीर शूली जात खटी सुमरो 15 अप्रैल 1931 ते खैरपुर नाथन शाह जे गोठ सुल्तान चांडी में जाओ, 1932 में संस खानदान जोही शहर में अची आबाद थियो, 1949 में सिंधी फाइनल, 1957 में इंटर, 1965 में अदीब फाजिल सिंधी जा इम्तिहान पास कयाई, गपल अरसो जोही में उस्ताद थी रहो, उन शायरी की सिख्या सैयद नजफली शाह लक्यारी फैज़ बख्शापुरी का वरती, संस शायरी जा ब मजमू दिल जो गाल नजर में नजरबंद छप जी पधरा थ, संस शुमार उस्ताद शायर में थे तो, गजल नज़म जो वो शायर है, सिंधी अदबी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो मेंबर रहो अहमद खान मदहोश 26 जून 2010 ते पसा पूरा कया। नामियारे शायर अहमद खान मदहोश के सारींदे नामियारो लेखक कंपेयर महमूद मुगल लिखे तो, छंछर 26 जून ब मुताबिक 13 रिजबुल मुरजिब 1431 हिजरी ते डीह जो 1:30 मिंटन ते सिंधे अवामी रंग जे अवामी शायर मोहतरम अहमद खान मदहोश होश जी दुनिया में पैर रखी छो, इनाह व इनाही राजियून एक दौर पैं पुजान के पौतो, एक किताब जा वर्क वरी व्या, मुरखदड़ भलाई कदड़ मोहब्बती चेहरो माठ थी वो, वह माठ गुजरल केतर डीह सस वजूद ते हावी हुई, इलाज दौरान हयाती की जंग में हार जो एहसास खेस केतर डीह हो, मदोश जे मरी वने त होश के संभाल जो चवंदड़ अहमद खान सुमरो सब समझंदो हो, आखिर एडो वडो अवामी शायर हो थले में त कोन थियो हो न, एहसास सोच लोच सस रग रग में समायल हुई, जेको बी जी पीड़ाव के कलम वसीले कागज से लाहे सघियो पे उनके छा पान कै शै जो अंदाजो न हुंदो, अदा बस डेढ़ वगे लाडानो थियो है बाबा जो, फोन ते खलील आरिफ सुरके तो, हाँ एम्बुलेंस के इंतजार में हूँ अदो वो है करण, शाम धारे घर पहुँचासी जोही में उते अबाणू कब्रस्तान है वासल शाह जो, उते दफनाए बस छोरो छिनो करे वो यार असाखे, आवाज़ में पाणियाठ जो लहरू बुलंद थियन थियूँ, फोन की लाइन पे जण उनमें बुढ़ी वजे थी, साह भरजी आयो है
मोज़ ख़वातीन हज़रात, अजीब माठ महसूस थे पई थी। मोहब्बत ने सिकज लहजे की माठ रूह रोले वही है। वो मुरकंदड़ महकंदड़ चेहरो याद अचे तो जेको सिंधी सारोपन जो कमाल हों सादो सुधो नरम कुशादा दिल हयाती में जिते भी के घड़ियों मुलाकात थी पेरियों तासरी पंजाब जो दींदो हो ये थींदो है अजीजा ने मन अलाए केतरा वजूद अवां के हर हर मिलंदा है न घड़ी घड़ी जे मेले में भी रूह रलजी न सकंदो है आई अलाए केतरा रूह अड़ा हुंदा है न जिन सा भले केतरो बे अरसो तरसी छो न मुलाकात कजे सिक सदाई सागी मिलंदी है। असाते भी कदें कलम खड़ो खुज सा हुनन गुलिस्तान सजाद में सेब ताज इदारत हेठ निकंद रिसाले में मुझे प्रोफाइल लिखण ते चयो हो। असा भी अवां जा हूं मुझे कम करण जो अंदाज सादो हुंदो हो। मेहमान मोहतरम वट पान हाजिर थींदो होस गाल बोल कलम बंद कंदो होस हुन सा उते वेही रहस थोड़ी गाल बोल थी आई बेवारे हुनन पान सब कुछ पोस्ट जरिए मोकले छो। इतफाक कुछ अड़ो थी वो जो ओचितो रिसालो बंद थी वो मां मथर लिखी न सकस पर सस वजूद वजूद की मोहर ऐसो महर ऐसो उन जडें भी किथे मुलाकात थी तो उन्हें कदें भी को वरजाया तो उन्होंने कागजन जो थो बस एक मुर्क होंदी हुई जो पा ही सवाल कदी हुई पान वटी सस जवाब भी होंद हो। 1965 में अदीब फाजिल जो इम्तहान पास कदड़ हाजी फकीर शुगली सुमरे के फर्जंद अहमद खान के कुदरत खूब नवाजो। एक उस्ताद की हैसियत से उन पी अमली जिंदगी गुजारी ए वक्त वो भी असा देखार है कैफे इश्क नाले गुटके के शायर आम हयाती में आम लफ्जन तशबीहन इश्तिहार बेहकन के क्या इस्तेमाल किया है। दिलावर दादला दिलदार दिलबर दिलरुबा दिलकश सिट तो ऐसो तजनी से हरफी ए पुराण शायर के सिकन के लाइंदड़ मदहोश कड़ी न कैफ से झूमद झुमाइंद वे तो दिल दिलगीर खां हर नाम तुझे खे वही नाहे या वरी करी थो वार खोले वार सोसो वार ओसोणा लगा थम डंग अंग 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 जंजो दंग ही नाहे। ही लबो लहजो को खास नाहे अंदर जी सरकशी रूह जी रोलाकी दर्द जो आलाप ए मोहब्बत जे रमजन मदहोश जी आम हालत में साणस गड हुंदी हुई हू पंजो तखलुस चूंडे रखियो हुयो। खेस इश्को मोहब्बत में मदहोश रहण में ये सदा आफियत महसूस थी हुई। वड़ा एहसान मौला जाओ शुकराना ओ शुकराना कसाए पाक पेशानी प्री पगदार बिस्मिल्ला अंगण मुझे ते अजायो मिठो मंठार बिस्मिल्ला करया खीकार बिस्मिल्ला चवां सदबार बिस्मिल्ला। पंज दौर जे हिन सदा रंग शायर के जेड़ो कर टकसाटन जे जहान में का कल कान हुई हुआ पंजी सादगी में खुश हुयो आई यकीनन उहाई संस वड़ मान पाई हुई। हुआ सादो हो तदें त बरमला बारण वांगुर फरमाश कदो हो त जहान मां रुख्सत थियण खां पहिरीं हुन सां मिलण थो घुरां हुनखे ॾिसण थो घुरां ॼाणंदो बि हुयो त हिते कंहिं वटि वक़्तु न आहे वठसि पाण वटि वक़्तु न हुयो हिते त साहिब सरवत अज़ल अब्द खां मसरूफ़ आहिनि। अजगर जडे शहर में इन हयाती जो आखिरी महीनो गुजारियो स्क्रीन ते जडे संस मयत जा फ्लैशिज पिया अचन ताला है छो पेरों ख्याल अकेला जो अचे पियो अकेलो तो मानू के थियणो ही है हेठ माठार में अकेलाई ते मिलनी है हुआ इन सिटन लिखण माल संस जसदे खाकी यकीनन अकेलो न हों रोडन रस्तन ते टोड़ंदड़ एम्बुलेंस में मौजूद संस फर्जंद खलील शकील सा मान जा मेल हुंदा एक अवामी शायर रुख्सत थो है सस घर ते भी रश थी वही होंदी पर लाए छो पान खा पान सवाल करण ते दिल चवे थी असा उनके अकेलो छड़ियो न टिकर हले पियो त सजे महीने को बाला अमलदार लड़ी ना आयो चंगो थियो त कोन आयो न त अजल अजल जी राह ते हलंदड़ अवामी रंग जे अवामी शायर के वञणो त हुई हो जै गुलदस्ते कहीं लिफाफे के बार हेठ हलो वजे हाँ तो शायद संस कदावर शख्सियत पैं कदम इजाफे के ऐसी न सके हाँ हुआ भी अहमद खान मदहोश आम शायर हुयो
को खास जो दोस्त न हुयो जो खेन संसार विछोड़े या हालत जी खबर हुजे हा। दोस्त कंखा जुदा खुदा न करे, कंखे ही गमाता खुदा न करे। मुझो सीनो गभा गभा थी पई, तीर तुझो खता खुदा न करे। रोजे मैशर सवाए तुझे भी का भी मुखा पुछा खुदा न करे। तोखे सामू विहारे मदोश छा करे, जे खुदा खुदा न करे। बहरहाल सान्यो तो थियो आहे सिंधी शायरी में आम लबो लहजे जो दुरुस्त आम लबो लहजे जो दोस्त जुदा थी वियो आहे। विछोड़े जो गमाता थी वियो आहे। अजल जो तीर खता न थियो आहे। दुआ इहा आहे त अहमद खान मदोश पंहिंजे पुॼाणी में पंहिंजे पुछाणे में बि सुरखरू थिए। मां पखी हां प्यार जो प्यार तेज़हार जो ओ धार जो नमार जो मुखे धार जो नमार जो मां पखी हां प्यार जो प्यार तेज़हार जो मां पखी हां प्यार जो प्यार तेज़हार जो धार जो नमार जो मुखे धार जो I don't know.
चाबी थी पवे मटर ही दिल कश दिल भरू न तोड़ जो दिल भरू ही दिल कशो दिल भरू न तोड़ जो धारती न धार जो गड खड़ियों गुजार जो धारती न धार जो गड खड़ियों गुजार जो नामियारे शायर अहमद खान मदहोश की सदा हयात शायरी सा ही सदा हयात आवाज़ हो मुमताज लाशारी जो अमी बुधी रहा आयो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अवी खिदमत में असि प्रोग्राम पेश करे रहा आयो सोच वीचार सोच वीचार जे इन सफर में असि नामियारे शायर अहमद खान मदहोश के भेटा पेश करे रहा आयो हाँ प्रोग्राम में शायरी जा वर्क वरायूं था शामिल करूँ था नामियारे शायर अहमद खान मदहोश जी खूबसूरत शायरी हिन दिल जी हकीकत छा करिया जा शाद बिया ना शाद बिया ही गम खुशी वारी बस्ती आबाद बिया बर्बाद बिया नासेज नसीहत ठीक मगर नासेज नसीहत नेक मगर थियो दीवाने ते कोन असर इंसान त पंहिंजी फितरत खां पाबंद बिया आज़ाद बिया हे त पाण सबक नओं सिखजे थो ऐं पाण सबक थी रहिजे थो इंसान जहां जे मकतब में शागिर्द बि आहे उस्ताद बि आहे हे त ॾाढ जो दामन भरिजे थो ऐं राह मुसाफ़िर फुरिजे थो हिन शहर खे सम्झां छा सम्झां हे त दाद बि आहे बेदाद बि आहे मां कंहिंजी शिकायत छो करियां छो कंहिंजे गिला ते कन धरियां कुझु यारनि जा अहसान थिया कुझु क़िस्मत जी इमदाद बि आहे थो रोज़ मरां ऐं रोज़ जीअं मदहोश भला मां काॾे वञा हर रोज़ नओ इरशाद बिया ऐं यार सितम ईजाद बिया हिन दिलि जी हक़ीक़त छा करियां जा शाद बिया ना शाद बिया इहे मुंहिंजो रोलाक रोलाक सोचूं झलण सां झलियूं न बेबाक सोचूं फिरनि थियूं जे गर्दिश में ग़मनाक सोचूं कंदियूं नेठ किथे वञी थाक सोचूं तुंहिंजी लोच में वियूं हिरी हर कंहिं सां हसीननि जे चेहरनि जो हिराक सोचूं जहिड़ी रीत महबूब आहे मुक़दस अहिड़ी रीत सम्झूं सदम पाक सोचूं मोहबत जे दरिया वहाए छॾींदियूं दिलनि जे दरनि जा भञी ताक सोचूं वफ़ाउनि जे राहनि सां हलंदियूं ई रहंदियूं खोड़ींदियूं न विच ते किथे ढाक सोचूं जफ़ाउनि जी जहदम तपश तेज़ थींदी
वसाई जो मदहोश ते माक सोचूं इहे मुझो रोलाक रोलाक सोचूं निगाहन जो मारिल कदें मौत सां भी मरी कीन सघंदो मरी कीन सघंदो इन्हीं दाम में जो अची वियो सो वापस वरी कीन सघंदो वरी कीन सघंदो कयो घाव जेके विझी घूर सोणा छुटण जाई नाहिन उहे मूर सोणा अवां खां सिवा सूर दिल ऐं जिगर जो ठरी कीन सघंदो ठरी कीन सघंदो अवां पाण महबूब मर्ज़ी जा आहियो असां ऐबदारनि खे भायो न भायो असांजो अवां खां सजण साह ऐंस सरी कीन सघंदो सरी कीन सघंदो पिरीं आओ गरजी के मचड़ा मचायूं चुड़े चंग चाह जी दिल खे दुखायूं रुगो हिकु तरफ़ खां मोहबत जो ॿारण बरी कीन सघंदो बरी कीन सघंदो मोहबत जे दरिया में कीन घिड़जे जे घिड़जे त वाटां वरी कीन वरजे ही दरिया दिल मन हणण सां तारूं तरी कीन सघंदो तरी कीन सघंदो बहशते बरी जी नडे खाम रोबत गले यार जी आह मूलाए जन्नत हे मदोश तुंहिंजे नसीहत सां नास खरी कीन सघंदो खरी कीन सघंदो घर दिल में करे घर खे करण याद ग़लत आ दिलबर सां मिली दर खे करण याद ग़लत आ जे दीद मिले दीद सां हिकु दीद वञे थी दीदार जे मंज़र खे करण याद ग़लत आ जो जीव चवे तंहिंखे ॾिजे जाइ बि जीअ में ख़ुदि गर्ज़ ऐं ख़ुदि सर खे करण याद ग़लत आ अख अख सां लॻी अहिड़ी हू न रहे हू पोइ सूरत दिलबर खे करण याद ग़लत आ कदमनि में धरी सिर खे भला सिर खे खणा कीअं सिर ॾेई वरी सिर खे करण यादि ग़लत आहे जंहिं जाइ हुजे यार सां गॾु ग़ैर बि शामिलु उन मस्जिद मंदर खे करण यादि ग़लत आहे कंजूस जी यारी खां भलो आहीं अकेलो बेफैज़ तवंगर खे करण यादि ग़लत आहे माणण जे घुरी मंज़िले मक़सूद मदहोश कंहिं राह जे पथर खे करण यादि ग़लत आहे भॻल दिल कॾहिं बि सॼी कान थींदी जे गॾिबी त अहिड़ी वरी कान थींदी सफ़ाई जी केॾी बि कोशिश करे को कारी दिल जी कार अची कान थींदी सदाकत जी सूरत सलामत जी रहंदी त दिल जी बि तोखां विथी कान थींदी तस्वर जी सूरत में ईंदे त सारे ज़माने खे का साबित कान थींदी अज़ल खां अब्द जेतिरे फ़ासिले जी जुदाई असां खां सठी कान थींदी जो कंहिं सां कंदो कीन बेवाजबी का उन्हीं सां बि बेवाजबी कान थींदी मोहबत जे मज़हब में मदहोश हरगिज़ शिकायत रवा यार जी कान थींदी दर्दनि जो दिलि में देरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे उन में करण बसेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे आख़िर इलाज कहिड़नि कहिड़नि फटनि जो थींदो अंदरि रा ॿेरो ॿेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे हिकिड़ो ज़ख़्म हुजे हा शायदि छुटी वञे हा रग रग आह छेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे वस में हुजमि जेकर आतिश उझाया दिलि जी भठ में जले थो जेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे ज़िंदान को हुजे हा आज़ाद थी सघनि था ज़िंदान को हुजे हा आज़ाद थी सघां हा ज़ुल्फ़ सेह जो घेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे मुर्कनि में लुड़क पंहिंजा लोकूं लिकायां कीमा ॾाहिण रमन जो पेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे मगरूर पंहिंजी शोखी वारो मिज़ाज बदिले अहिड़ो अचे को फेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे मदहोश संग दिल जे एॾियुनि इनायतनि जो वेही कजे न बेरो सुथरी त ॻाल्हि नाहे जंहिं वक़्तु मुंहिंजो साथ सितारनि छॾे ॾिनो उन वक़्तु मूंखे वक़्त जे यारनि छॾे ॾिनो आई ख़िज़ा त रंग निज़ारन छॾे ॾिनो बदिले फिज़ा त हुसन बहारनि छॾे ॾिनो इश्के बुतां जो ज़िक्र सरे बज़म थो हले गोया ख़ुदा जो इश्क हज़ारनि छॾे ॾिनो यारो सहारा कश्तीअ उमेद खे ॾेई बहिरे फना में नेठि किनारनि छॾे ॾिनो मै नोश खे न होश रहियो नाव नोश जो साकी छॾियो ऐं बादक उसारनि छॾे ॾिनो मदहोश हो फसाद फ़क़्तु हस्तो बूध में हस्ती छॾे ॾिनो त खसारनि छॾे ॾिनो जंहिं वक़्तु मुंहिंजो साथ सितारनि छॾे ॾिनो
उन वक्त मुख्य वक्त जे यारन छे दी प्रोग्राम सोच में हाण नामियारे रागी जमालुद्दीन फकीर के भेटा पेश करियों था। 26 जून 2016 ते विछोड़े जो विरलाप दई वियल जमालुद्दीन फकीर पंजे राग की सिख्या पंजे वालिद मिस्री फकीर खां वरती हुई। संस खानदान जे सूफी रागी उस्ताद मौला बख्श मंगणहार खां बि हुन पोइ सिख्या वठी धागो बधरायो। फकीर जमालुद्दीन 1952 धारे सांगड़ वेझो तारीख़ी ॻोठ बोबी स्टेशन भरिसां ॻोठ छुटण वसाण में जनम वरितो। सिंध जे हिन अज़ीम सूफ़ी रागी कुझु अरसो सिंध जे भलोड़ रागी सुराब फ़क़ीर जे सुंग में ॻायो ऐं ॿिनि फ़क़ीरनि सां गॾु बि ॻायो। जमालुद्दीन फ़क़ीर इंतिहाई मुहबत ऐं न्याज़ निवड़त वारो फ़क़ीर हो। सॼी ज़िंदगी कहिड़ो वेस में सादगी में गुज़ारियाई। शुरूआती तालीम ॻोठ छुटण वसाण में क़ुरान पाक जी तालीम बि उतां ई हासिल कयाई। हिन फ़क़ीर सॼे पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सिंध जे ॻोठ ॻोठ वाहण वाहण वस्ती सां गॾु दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि फ्रांस इटली जर्मनी दुबई अमरीका बेल्जियम सिंगापुर तुर्की ऐं ॿिनि मुल्कनि में सूफ़ी राग ॻाए दाद हासिलु कई। तुर्की में खेसि एवार्ड सां बि नवाज़ियो वियो। सिंध जी सुञाणप रखंदड़ हिन अज़ीम फ़नकार खे ॿिया बि केतिरा ई एवार्ड मिलिया, जिन में लतीफ़ एवार्ड 2 भेरा सचल सरमस्ते एवार्ड मिस्री शाह एवार्ड ऐं ॿिया केतिरा ई एवार्ड शामिल आहिनि। फ़क़ीर जमालुद्दीन पंहिंजे मामे जे घरां शादी कई। हुन मां खेसि 5 पुट ऐं 4 नियाणियुनि जो औलादु थियो। सूफ़ी राग में अलॻि सुञाणप रखंदड़ हिन वैरागी सिंध जे हर सूफ़ी बुज़ुर्ग जी दरगाह ते राग ॻायो ऐं दाद हासिलु कई। सिंध हिन अज़ीम फ़नकार खां महरूम थी वई आहे। जमालुद्दीन फ़क़ीर जो तॾो बोबी स्टेशन भरिसां ॻोठ रशीद ख़ान मरी में विछायो वियो हो। जमालुद्दीन फ़क़ीर जी मज़ार बि हुते ई संस मैखाने में आहे। पंहिंजे मैखाने ते आराम ई थी वियल जमालुद्दीन फ़क़ीर तोड़ जो हाणे असां में मौजूदु न आहे, पर संस सदाहियात आवाज़ु अॼु बि किरण जा कंध लताड़े थो ऐं अॼु बि यादगिरनि जा वर्क वरण था ऐं अॼु बि हुन जा गीत अखियुनि आॾो तरी अचनि था। हुनजी झीणी झीणी गुफ़्तगू अॼु बि करण में ॿुरण लॻे थी ऐं अॼु बि अहसासनि जो उहो रिश्तो जेको क़ाइमु थियो हो उहो ताज़ो लॻे थो ऐं हूअ ईअं लॻे थो ॼण वरी ॿीहर ॻाइण लॻे थो। राग सजो ई रोज़ आहे
कर्म हमीर पुझी विहल पान में आहे अंदर तन उकीर समझल सच सलूक खूं वह नेरे वहाल नीर स्वाची दल चवन फकीर तराग मंच बिरमज थे फन्ना दुनिया घड़ी हिक यार फन्ना दुनिया घड़ी खड़ा
खना दुनिया घड़ी हिक आए खना दुनिया घड़ी हिक आए मडियो माल ही खूबसूरत आवाज़ हो जमालुद्दीन फ़कीर जो अवां जी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर पे वे सोच वीचार साण करें अवां जी खिदमत में अवां जो पेंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी अवें बुधी रहा आयो दुनिया जो पहरियों सिंधी वेब रेडियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ए वॉइस ऑफ सिंध टेलीविज़न सिंध जे तर्जमान वारो किरदार अदा करे रहा आहिन जिता सिंध में थींदड़ हर बेवाजिबी ऐं क़ौमी मसलनि ते आवाज़ उथारियो वञे थो इल्म अदब सियासी समाजी ऐं सकाफ़ती सरगर्मियुनि खे असीं अवले जे बुनियाद ते नशर करे अव्हां जे समाजनि ताईं पहुचाईंदा आहियूं पंहिंजे क़ौमी आवाज़ खे घर घर पहुचाइण में पंहिंजो क़ौमी किरदारु अदा करियो 24 कलाक नशर थींदड़ हिननि क़ौमी इदारनि खे अव्हां जे साथ सहकार जी ज़रूरत आहे अचो असांजी माली सहायता करियो ऐं असां सां हम क़दम बणिजो जेकॾहिं अवीं सोच वीचार में पंहिंजो को मवाद मोकिलणु चाहियो था त असांजो फ़ोन नंबर आहे 03-1232-45-303 जी हा हिन नंबर ते पंहिंजो मवाद वाट्सअप करे मोकिले सघो था ऐं हाणे सोच वीचार में वर्क वरायूं था उन तारीख़ी किताब जो जंहिंखे अवीं सभु पड़ाड़ो सोई सॾ जे नाले सां सुञाणो था तुरखान जे जबर ऐं ज़ुल्म वारो दौरु जॾहिं सिंधियुनि आताब सठो ऐं सिंध जे माण्हुनि मज़ाहिमत कई दलेरी जो दास्तान ऐं हिकु ख़ूबसूरत नावल जेको नामियारे लेखक सिराजुल हक मेमण जे कलम मां फुटी निकितो जी हा अॼु असीं अव्हां जी ख़िदमत में नावल जी 7वीं किस्त पेश कंदासीं शहर जे लंघे जॾहिं हर पाड़े में इहो पढ़ो ॾिनो त अॼु खां आमिर ख़ान ठठे जो आमिल मुक़ररु थियो आहे त केतिरनि जूं दिलियूं दहिलजी वियूं हुननि खे पक थी त हुन जे आमिल थियण सां शहर में उहे ज़ुल्म थींदा जो अॻे कंहिं ॿुधो बि कोन हूंदो ॿिए पहरनि जो शहर जी जामा मस्जिद जे बिल्कुलु ॿाहिरां चौसोल ते बण जे वण में बि न सिंधियुनि जा खल लथल जिस्म टंगे छॾियाऊं जंहिं ते हिननि खे ॾिठो सो आत ॾींदो उल्टियूं कंदो दिली दिलि में तुरखाननि खे गारियूं ॾींदो फिटींदो थिए वियो आमिर ख़ान जी अमलदारी जी हीअ पहिरीं सुखड़ी हुई सिंधियुनि लाइ जॾहिं पोइ माण्हू साझी निमाज़ पढ़ण लाइ मस्जिद ॾांहुं थी विया त आमिर ख़ान खे 50 खनि सवारनि सां आख़ूद साले जे मदरसे ॾांहुं वेंदे ॾिठाऊं माण्हुनि में नई होरा खोराक जाॻणु लॻी जेकॾहिं आख़ूद साले जे मदरसनि जा शागिर्द तुरखाननि में काहे पवंदा पोइ छा थींदो सो कंहिं बि सोचणु न थिए चाहियो ॿुढड़ा माण्हू तकिड़ा तकिड़ा मस्जिदनि में दाख़िलु थिए वक़्त खां अॻु नफ़ल पढ़ी दुआ घुरणु लॻा त अला साईं ठठे ऐं समूरी सिंध खे हिननि ज़ालिमनि जे शर खां पलाह में रखिजे अञा अॻियां घाव ई कोन छुटा आहिनि त नओं कोस थियणु न ॾिजे हिंदू पंहिंजे मंदरनि ऐं टिकाणनि में पंहिंजे मूर्तियुनि अॻियां ॿारणु लॻा त ठठे तां आफ़त टरे आमिर ख़ान पंहिंजे सवारनि सां अची आख़ूद सालह जे दारुल उलूम अॻियां लथो हुन सां 4-5 कंधारी मौलवी गॾु हुआ जिन खे मिर्ज़ा बाक़ी
कधार खां सिंधर के फारसी सही इस्लाम पढ़ाने लाए घुरायो हो। दरवाजे अग्या निढ़िया मजी ते एक बुढ़ड़ो मानू चिलम जो नड़ वात में विझी जण दुनिया खां बेखबर थी पंजे ख्याल में गर्क हो। घोड़न जी टाप टाप ते भी हुन कंध वराए कोन निहारियो। जड़े अमीर खान बिल्कुल सस भरसां अची घोड़ो झलियो तॾहिं बि हूअ पंहिंजे चिलम मां गुड़ाट कढंदो रहियो। अमीर खान बिर थी वियो ऐं नेज़ो के हुन ॿुढड़े खे चोक ॾिनी त ॿुढड़ो छिरक भरे उथी बीठो ऐं तुर्खाननि खे हैरत मां ॾिसणु लॻो। बे अदब गॾहिं तोखे इहा मज़ाल जो असांजे अचण जो ॿुधी पंहिंजे चिलम में लॻो पियो आहीं, अमीर खान कड़को कंदे चयो। ॿुढड़े ॾंद कढंदे पंहिंजे कननि ॾांहुं इशारो कंदे चयो, ॾाढा ॻाल्हाए ऐं कननि खां बिनह ॿुढो आहियां, केर मुड़ुस आहीं। तुर्खान खिलण लॻा। हुननि खे खिलंदो ॾिसी अमीर खान जी कावड़ हेकारी तेज़ थी वई ऐं हुन वाको करे चयो, ख़ामोश आऊं आहियां अमीर खान ठठे जो नओं आमिन हूंदे, पर हिते कहिड़ो कमु अथई? ॿुढड़े लापरवाही मां चयो। अमीर खान खे परे मुड़ुस ते एॾी कावड़ आई जो हुन नेज़े सां खेसि ज़ोर सां धिको ॾिनो त पीर सन थेड़ खाईंदो वञी मंझी जे पोयां किरियो। पर हू कपिड़ा छॾींदे वरी उथी बीठो। अबा मुड़ुस थो मारी, पाण वॾनि सां ईअं हलबो आहे, वाह जो पिणु सेखारियो अथई। ॿुढड़े ॼण रंज थींदे चयो, अमीर खान हुनखे बिना मारण वारो हो, पर हिकु कंधारी मौलवी खे फारसी में चयो, हींअर सख़्ती कबीत शागिर्द उस्ताद असां सां ठही कीन हलंदा, सियासत खां कमु वठ, सॼो कमु ख़राबु न कर। ॿुढड़े ॼण कुझु ॿुधो ई कोन, वरी पंहिंजे खट ते वेही रहियो ऐं पंहिंजे चिलम जे नड़ में फूकूं ॾियणु लॻो। अमीर खान भुणभुण कंदे ॿुढड़े खे सज़ा ॾियण जो इरादो तर्क करे छॾियो ऐं नरमी सां चयाईं, ओढ़ा दर खोल, असांखे आखूं त साले सां मिलणो आहे, हीअ आलम सगोरा कंधार खां हली साणस मिलणु आया आहिनि। जीअ छा चयईं, थोरो ॾाढा ॻाल्हाए मुंहुं कोन ॿुधो। हुन वरी पंहिंजे कननि इशारो करे पंहिंजी ॿोराण ज़ाहिर कई। अमीर खान पंहिंजी कावड़ खे रोकींदे ॾाढा पंहिंजी ॻाल्हि वरजाए चई, पोइ ईअं चओ न। ईअं चई ॿुढड़ो उछियो ऐं अची मोरियुनि खे हथ ॾिनाई, सिंधी में साणनि ख़ुशि ख़ैरु वाफ़ियत करणु लॻो। हाणे त अमीर खान खे बि खिल अची वई ऐं चयाईं, परिया मुड़ुसु, हीअ अञा काल्ह कंधार खां आया आहिनि, से तुंहिंजी सिंधीअ कीअं सम्झंदा? अबा कंधार खां आया आहिनि, भले करे आया जीअं करे आया। ऐं पोइ आहिस्ते चयाईं, जॾहिं कॾहिं सिंधड़ी तोखे कंधारो जोखो। अमीर खान रड़ करे चयो, पोड़ा छा चई? अबा चयुमि त दीन जा आलम सगोरा आहिनि, सिंध जी क़िस्मत जो कंधारो हली आया आहिनि। चयो हाणे दर खोल। अमीर खान वरी ख़फ़ीअ थींदे चयो, हीउ मदरसो आहे, इलम जो घर, हिन में हथियार पहिरें लंघणु कबीरो गुनाह आहे, ऐं हिननि सिपाहियुनि जो वरी इलम सां कहिड़ो वास्तो? हीअ दरवाज़ो दीन जे आलमनि सगोरनि लाइ बेशक खुलंदो, पर हिननि सिपाहियुनि लाइ हरगिज़ न खुलंदो। पोड़े में अलाए किथां जान अची वई, हुनजो सीनो अॻियां वधियो ऐं संसि अखियुनि में हिकु नई जूत जाॻी आई। अमीर खान कंधारे मुरवियुनि सां हरे हरे मशवरो करणु लॻो। हू फ़क़्तु पंहिंजो ॾाढियूं लोॾींदा रहिया। आख़िर कंहिं ॻाल्हि ते हू पाण में यकराए थिया। तॾहिं अमीर खान ॾाढा चयो, तूं दरवाज़ो खोल, फ़क़्तु आऊं हिननि आलमनि सगुरनि सां आखुंद साहिब जी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। सिपाहियो, अवीं चालीह क़दम पोइते हटी बीहो ऐं असांजो इंतज़ारु करियो। सिपाही हिकदमि घोड़ा मोड़े पोइते हटी विया। अमीर खान दरवाज़े ॾांहुं वधियो, ॿुढड़े ते ॼण को असरु न थियो। चयाईं, हथियार लाहे हिते रखो, दरवाज़ो पोइ खिलंदो। अमीर खान लाचार थी तरार म्याण मां कढी पोड़े जे खट ते रखी ऐं नेज़ो हेठि ज़मीन ते रखी छॾियाई। ॿुढड़ो पाण अॻिते वधी आयो ऐं हिकु छिक ॾेई अमीर खान जी कमर बंद मां खंजर छिके वरिताईं। पोइ ॾाढी निवड़त सां कंधारे मुलविन ॾांहुं वधी आयो ऐं हिकु हिकु करे मुलविन जे कमर बंदर मां खंजर कढी वरिताईं। मुलवी हैरानी मां हिन पीरसन जी चुस्ती फुर्ती खे ॾिसंदा रहिया। खंजर पाण वटि काबू करे पोड़ो दरवाज़े ताईं आयो ऐं दरवाज़े ते हथ सां ठुक ठुक कयाईं। अदरक हल्को आवाज़ु आयो। ॿुढड़े चयो, दीन जा आलम सगोरा कंधार खां पंध पिया आहिनि, हुननि जी आज्ञा लाइ दरवाज़ो खोलियो। ॿुढड़े जा लफ़्ज़ पूरा थिया त वॾे दरवाज़े में हिकिड़ो नीरो दर खुली पियो। उहो दरवाज़ो अहिड़ो हो जंहिं मां हिकु वक़्तु फ़क़्तु हिकिड़ो माण्हू लंघी थिए सघियो।
उनके भी हेठ झुकणो थे पियो। बुढ़े चयो ही इलम जो दरवाजो है, ये तो झुकण किस्मत वारन के नसीब थींदो आए। अमीर खान दिली दिल में खार खाइंदो मोरियों के पोयां अंदर दाखिल थियो। अंदरें पासे निढे कद जो एक हमरा थेन वठी आखुंद साले जे हुजरे ताई हुजरे डां हलण लगो। उते पुची उन सभिनी खां जुतियूं लाहण जो इशारो कयो। जुतियूं लाहे उहो अंदर दाखिल थिया त हिकु तॾे ते हिकिड़ो करोड़ माण्हू खे वेठल ॾिठा, जंहिंजी चोचकारी ॾाढ़ी में किथे किथे अछा वार बि ज़ाहिर थियणु लॻा हुआ। सस मुंह में अजीब छिक ऐं ॾिया हुई। हूअ कंहिं किताब पढ़ण में मशगूल हो। हुननि खे ईंदो ॾिसी उहो उथी बीठो ऐं संदन आजियां कंदे खेनि वेहण लाइ चयाईं। अमीर खान खे पट ते तॾी ते वेहण ॾाढो ॾुखियो लॻो। ज़मीन सां तुॾन में चुभण लॻी ऐं हू ज़रे ज़रे पासा बदिलाए सिधो थी वेहण जी कोशिशि कंदो रहियो। कंधारियुनि मां हिकु मौलवी पंहिंजे अचण जो मक़सदु बयानु कंदे चयो, हुज़ूर मिर्ज़ा बाक़ी बेग जिन जी राय आहे त सिंध में तालीम जो ख़ातिर ख़ाह बंदोबस्तु करण लाइ मुल्क जे समूरनि मदरसनि में फारसी दीनियात पढ़ाए वञे, उन करे हुन कंधार खां दीन जा आलम घुराया आहिनि जिन खे दरस तदरीस जो डिघो तजुर्बो आहे। हिन दारुल उलूम में असां पंजनि ॼणनि खे पढ़ाइण जो हुकुम मिलियो आहे। आखुंद सालेह खे ॻूढ़े ख़्याल में ॿुॾी वियो ऐं पोइ कुझु सोचींदे चयाईं, घणो तणो सभु मदरसा ऐं तालुम दारुल उलूम आहिनि दीनी तालीम लाइ। असांजे मदरसनि में के शागिर्द हूअं ई फारसी पढ़नि पिया। सरकार चाहे थी त फारसी जी तालीम आम कई वञे। हर शागिर्द ज़रूरु फारसी पढ़े, इल्म जी दुनिया सां रोशनास थिए। मौलवियुनि मां हिकिड़े चयो, फारसी हितां जे माण्हुनि जी ॿोली कान्हे, उन करे उनखे फ़क़्तु के अहिड़ा शागिर्द पढ़णु घुरंदा जिन खे हुनजे सिखण जो शौक़ु हूंदो। तंहिंखां सवाइ सरकारी तरफ़ फारसी पढ़ाइण जो कहिड़ो ज़रूरु आहे, जॾहिं असां वटि फारसी सेखारण जा उस्ताद अॻे ई मौजूदु आहिनि। आखुंद साले निहायत आस्ते ऐं धीरज सां ॻाल्हाए रहियो हो। हिकु मौलवी खे शायदि जोश अचणु लॻो हो। फारसी हितां जे हाकमनि जी ज़ुबान आहे, इस्लामी हुकूमत जी ज़ुबान आहे, इस्लामी ज़ुबान आहे, ईरान अफ़गानिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे मुसलमान जी वाहिद सुधरियल ज़ुबान आहे। कंधार खां दहली ताईं फारसी जो चर्चो आहे। फारसी सिखण सां सिंधी पंहिंजे हाकमनि जे क़रीब ईंदा, मंझंदि इस्लाम जो दर्द पैदा थींदो। तुर्खान ऐं सिंधियुनि जे विच में हिन वक़्तु जेके ग़लति फहमियूं आहिनि से दूरि थी वेंदियूं। आखुंद साले फौरन को बि जवाबु न ॾिनो। पोइ चइनि मुरियुनि ते हिकु नज़र विझंदे अमीर खान जे अखियुनि में अखियूं अटकाईंदे खेसि घुरींदे चयाईं, सिंधियुनि जे मथां सरकारी तरह सां ज़ोर ज़बरदस्ती सां का बि ज़ुबान मड़ी वेंदी त हू हरगिज़ हरगिज़ कोन पढ़ंदा। हुनखे पंहिंजी ज़ुबान सां बेपनाह मुहबत आहे। हुनजी ॿोली दुनिया जे क़दीम ॿोलियुनि मां आहे। फारसी वांगुरु हज़ारे साल पुराणी फारसी जहिड़ी माइदार ऐं मिठी ॿोली आहे। अॼु ताईं हुननि का बि ॿाहिरी ज़ुबान क़बूलु न कई आहे। ब्रह्मणनि खेनि पंहिंजे धर्म सां गॾु संस्कृत पढ़ाइण जी कोशिशि कई पर हू न पढ़िया। अरबनि इस्लाम आंदो पर हू सिंधियुनि ते अरबी मढ़े न सघिया। तारीख़ शाहिदु आहे त हिननि खे कॾहिं बि हुनजी ज़ुबान सां का बि नफ़रत न आहे। फारसी खे हू हिकु सुठी ज़ुबान सम्झनि था। फारसी जे इल्म शाइरी ऐं अदब खे हूअ ॾाढी चाह सां पढ़नि था। पर जेकॾहिं फारसी हिन ते ज़ोरी मढ़ी वई त हुननि में उन जे ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा थी पवंदी। हीअ सरकारी हुकम आहे, हुन जी तामील सिंधियुनि खे करणी पवंदी। सरकारी कारोबार लाइ बि ज़रूरी आहे त सिंधी फारसी सिखनि, जीअं हू हुकूमत जो साथ ॾेई सघनि। जेके फारसी सिखिया आहिनि से फारसी में शाइरी करणु लॻा आहिनि। सरकार तरफ़ां अहिड़नि माण्हुनि खे वज़ीफ़ा मिली रहिया आहिनि। हुन ते आम बख़्शिशूं कयूं वियूं आहिनि। अमीर ख़ान ॻाल्हि खे ख़तमु करण लाइ चयो, अहिड़नि माण्हुनि खे को बि सिंधी इज़त जी निगाह सां नथो ॾिसे जेके महज़ सरकारी ख़ुशनूदी हासिलु करण लाइ फारसी में तुकबंदी करणु लॻा आहिनि। अव्हांखे ख़ुदि ख़बर आहे ऐं आऊं बि चङी रीत ॼाणा थो त ईरानी मुग़ल ऐं ख़ुदा असांजा हाकिम पर पुठि संदन फारसी ते कीअं खिलंदा था रहनि। उन करे जेकॾहिं फारसी ख़िलाफ़ु नफ़रत पैदा करणु नथा घुरो त इन होड तां लही वञो। आखुंद साले निहायत नरम लहजे में ॻाल्हाए रहियो हो, मगर सस अटल इरादे ऐं अॾूल शख़्सियत मोलवियुनि ते रोब तारी करे छॾियो हो। पर सरकार जे हुकम जी इनहराफ़ी करण जी मजाल कंहिंखे थींदी? जेको फारसी सिखण खां इनकार कंदो उनजी ज़ुबान कपे छॾी वेंदी। अमीर ख़ान कावड़जंदे चयो त पोइ सरकार खे हर सिंधी जी ज़ुबान कपणी पवंदी। फारसी ॿोलण खां गूंगा रहणु
पसंद कंदा। आखूद साले सागे धीरज से चयो, पर अवी खेन सही सलाह दींदा तो शागिर्द अवा जो चवण जरूर मनींदा। हिकड़े मौलवी मरूब थींदे चयो, अवां शायद विसारे छॾियो आहे त आउं बि सिंधी आहियां, तंहिंखां सवाइ आउं कॾहिं बि पंहिंजे शागिर्दनि खे ग़लति सलाह न ॾींदुसि। आखूंद जवाबु ॾिनो। अमीर ख़ान उथी बीह रहियो, हू कुझु वक़्तु गौर सां आखूंद साले ॾांहुं निहारींदो रहियो ऐं पोइ आहिस्ते चयाईं, आउं ठठे जो आमिल आहियां, या ठठे में हर शागिर्द फारसी पढ़ंदो या समूरा मदरसा बंदि कया वेंदा। ईअं चई हू हुजरे खां ॿाहिरि निकिरी आयो। कंधारी मौलवी भी चुपचाप अमीर खान के पोया निकरी आया। अमीर खान जै भी मदरसे में वो उत अड़ो ही खुतो जवाब मिलिस। हर मुलाकात का पे उन कावड़ जो मच बंभट बणजो वो। बे दिन सुबह जो साजर हु वरी सौ खन सिपाही साण कर आखूंद साले के दारू उलूम डां वो। कंधारी मौलवी उन गड हुआ। बुढ़े वरी दरवाजे खोलण का इनकार कयो, पर अमीर खान मौलवी की सलाह से न हलो ऐं हुन पंहिंजो भालो बुढड़े जे निड़गढ़ में टुंबे छॾियो। सिपाहियुनि खे हुकुम ॾिनई त दरवाज़े खे भञी खोलनि। सिपाही कामो खणी दरवाज़े खे भञण बीह रहिया। पुराणो दरवाज़ो अठनि ॾहनि धकनि खां पोइ चिरजी पियो। दरवाज़े चिरजण सां निढो दर हिकदमि चोड़नि खां निकिरी वियो। सिपाही उघाड़े तरारे सां मदरसे में घिड़ी पिया। अमीर खान मौलवियुनि सां गॾिजी पंहिंजे कोठनि ॾांहुं वधियो। पहिरीं कोठी में आखूंद साले दरस ॾेई रहियो हो। अमीर खान जे इशारे ते हिकिड़े मौलवीअ जी आखूंद जे भर में बीह रहियो। आखूंद साले ॼण हुनखे ॾिठो ई कोन ऐं हू शागिर्दनि खे चई रहियो हो, अॼु शायदि आऊं अव्हांखे आख़िरी दरस ॾेई रहियो आहियां। हीउ कंधारी मौलवी अव्हांखे तरारनि जे ज़ोर ते फारसी पढ़ाइण आया आहिनि। मुंहिंजी अव्हांखे रुगो इहा सलाह आहे त हुन अञा जुमिलो ख़तमु ई न कयो त अमीर खान जे इशारे ते ॿ सिपाही हुनखे कमरे मां गेले ॿाहिरि कढी विया। हीउ दरस नंढनि छोकिरनि जो हो ऐं कंहिंजी बि उमिरि 15-16 वरियन खां मथे न हुई। कंधारे मौलवी अमीर ख़ान ॾांहुं ॾिठो ऐं मिंबर ते चढ़ी चयाईं, तफ़लान ऐं मन। अञा हुन एतिरो चयो त ॿ छोकिरा उथी वेठा ऐं ॿिन्ही गॾिजी चयो, असीं फारसी कोन पढ़ंदासूं। अमीर खान वरी ॿियो इशारो ॾिनो ऐं ॿिनि सिपाहियुनि अॻिते वधी छोकिरनि खे गेले ॿाहिरि कढियो ऐं गेलण वक़्तु खेनि थफ़ उन सां कुटींदा विया। ॿारड़ा हिसजी विया। कमरे में मोजड़ी ख़ामोशी छाइजी वई। छोकिरा हिरास ऐं डप खां सिपाहियुनि ऐं कंधारे मौलवियुनि खे ॾिसंदा रहिया। अमीर ख़ान खेनि सिंधी में चयो, छोकिरा ही आलम अव्हांखे पढ़ाइण लाइ कंधार खां आयो आहे। जेको छोकिरो फारसी न पढ़ंदो उनखे उघाड़ो करे हिन नेट सां कुटींदुसि। ॿुधायो अमीर फारसी पढ़ंदो या न? ॿार अॻे ई हिसियल हुआ, उन करे कंहिं बि जवाबु न ॾिनो। अमीर ख़ान कुझु सोची कंधारे मौलवी खे उते ई छॾे ॿाहिरि निकिरी आयो। सिपाहियुनि खे पंहिंजे पोयां अचण जो इशारो करे हुन घोड़े खे जामा मस्जिद वारे चौक ॾांहुं मोड़ियो। सिपाहियुनि खे चयाईं त फाहे जो फंदो तयारु कनि। फाहे जो ट्यास ठहंदो ॾिसी आसपास खां माण्हू उते गॾु थियण लॻा। अमीर ख़ान जा सिपाही ट्यास जे चौधारे हिकु वॾो घेरो ठाहे बीह रहिया। ॻाल्हि शहर में बाहि जी फहिलजंदी वई त तुरखान आखूंद सालेह खे फाहे ते धाचाड़ियनि। माण्हू पंहिंजा धंधा धाड़ियूं छॾे उघाड़े पेरे मथे उघाड़े जामा मस्जिद ॾांहुं भॻा। जॾहिं फाहे तयारु थी वई तॾहिं अमीर खान आखूंद साले जे अॻियां अची बीह रहियो ऐं चयाईं, आखूंद तोखे मारींदे मूंखे ख़ुशी कान थी थिए, अञा बि मुड़ी वञु। पंहिंजे मदरसे में कंधारी मौलवियुनि हथां फारसी पढ़ाइण जो रज़ानामो लिखी ॾिए त तोखे छॾे ॾींदुसि न त। आखूंद साले जो जे मुंहं ते अजीब नूर बहकी रहियो हो ऐं हुन चयो, तो जहिड़ा हज़ारे जाहिल मूं ॾिठा आहिनि, जेकॾहिं मूंखे फाहे ते चाढ़ींदे त सिंधी फारसी ॿोलणु सिखंदे ई छा? अवीं हिकिड़े हिकिड़े सिंधी उस्ताद खे फाहे ते चाढ़े छॾियो, तॾहिं बि सिंधी मदरसनि में फारसी ज़ोर ई पढ़ाए न सघंदो। अमीर ख़ान हिकु सिपाही खे इशारो ॾिनो, जंहिं वधी फाहे जी सुरक साई आखूंद साले जी गिचीअ में विधी। मेड़ में चुरपुर थियणु लॻी ऐं माण्हू जे दिलि में फट पवणु लॻा, पर सिपाहियुनि जे भालनि हुननि खे अॻियां वधणु न ॾिनो। अमीर ख़ान वरी ट्यास वारे सिपाही खे इशारो ॾिनो, हुन हिकु ई धक सां फाहे वारो तख़्तो आखूंद जे पेरनि हेठां कढी छॾियो। आखूंद जे वात मां ज़रो बि आवाज़ु न निकितो। अलाए कीअं हुनजे लड़कदड़ जिस्म जे मुंहं ते उहा ई नूरानी मुर्क अञा ताईं क़ाइमु हुई। अमीर ख़ान हैरत मां हुनखे ॾिसंदो रहियो। हुन सोचियो त फाहे जे तख़्ते ते हिन सिंधियुनि मुर्कणु किथां सिखियो आहे। हुन वरी छोकिरनि ॾांहुं ॾिठो ऐं हिकु भेरो वरी हुननि खां पुछाई,
अड़े छोरा बुधायो फारसी पढ़ो या न। छोरन जवाब डिनो वो तो पंजे उस्ताद के लड़कड़ जिसम के ऐसी रुंदा रहा। अमीर खान वे सिपाही के इशारो क्यों। सिपाही छोकर के चौक खंभो बधी पे एक छोकरे की बे की जिभ पाड़ू वढ़े छड़ी। छोकरा बकरण जहाँ राभाट कर लगा रत सन वाछण में वहण लगो। कुछ रत निड़ी में वजण कर अटोड़ जणा खघण लगा। खंघी वरी बाकारण थे लगा। मेड़ थियल मान के जणको नाग लगे वो हो पिंड पिहण थी इन केस के न ढड़ अखियन से ढिसा रहा। आमिर खान डहाकू खन सिपाही उत छे उत हलो वो शहर में पढ़ो डियारियाई तको आखूंद पंज मदरसे में फारसी न पाढ़ी उनो हशर आखूंद साल जड़ो थी जो शागिर्द फासी फारसी पढ़ने का इनकार कद उन जुबान कपी वी जो माइट फारसी पढ़ाण कर बार मदरस में उथारी उनो समूरों माल मत जब्त किया वो शाम तखूंद साल बिन्हीं शागिर्द के ऐसण ला हशाम सिंधी जहाँ अची गड़ थिया। अड़ो केस न थो नो मान के आंडर में वढ़ पवण लगा। हजारे मानू छिंगारू डे रुण लगा कें खामोश इन टिन कुर्बान थन्दड़न के ढिसा अंदर ही अंदर में कढ़ा गोढ़ा गाड़ींदा रहा। बुढ़ा पिरसन पे आंडर के मटींदा मस्जिद में वही पे रब से शिकायतू कर लगा। चौंक में जिभ वढ़ शागिर्द जहाँ मुँह सुजंदा हुआ। संदन कंध एकड़े पास लटकी पाया मखियों मिड़ी संदन रत भरल वाछण थे गद थियण लगे। ठठे की सींद अ सितार से सिंगारिल हुई। थदे खीर जड़ी चांडोकी पाछोलन से रांद कदे सोढ़ल की दिल जी टलकण लगी हुई। तुरखान के महले में सिपाही चौकीदार के होकन का सिवाय सजो ठठो बेखबरी की निंड सुतल हो। सोढ़ल सोचण लगो ये निंड पेल माठियों ठठे जो शहर अलाय पैं घर अंदर किड़न मातमन रोजन के लिकायो सुतो पो है। सिंज इन सुहारे शहर के घटन में अकेलो लंघदे उन अजीब लगी रो। उन ढे प्यार में कुमैत के बशकन से थफकी हई कुमैत सराव के अग्या कंध निमाए बीही रही। सोटल कड़ो खड़कायो को जवाब न मिलिस वरी ढाढ़ा कड़ो हण शुरू कया। नेठ डिजने डिजने बुढ़े अलू अची दरवाजो खोलो। हेडी रात जो कें मुसाफिर जो अचण उनके हमेशा डिजारे छींद हो। तुरखान पैं भजी वेल तुर्क छोकर या बाह के गोला में अक्सर आधी वेल अची सराय जो दरवाजो खोलाइंदा हुआ। मुसाफिर खेस मारकुट कर हलिया वा हुआ। केर बुढ़े अलू डिजने डिजने सवाल क्यों आऊँ आया सोढ़ल। सोढ़ल मुख्तसर जवाब दिनों सोढ़ल तू इन महल अच बाहर छो बैठो आई। तू हल अंदर त आऊँ घोड़ी कड़ में बधी तो अचा दाणो डियास। बुढ़े घोड़ी जो लगाम उनखा वटने पुछो। सोढ़ल सराव में अंदर अची डी जी वट के थोड़ो छंडे मथे खयो विछायल हंद थे मथो बिन्हीं हथन में झले वेही रो। रत सस मगज में क दरिया वागुर छोलियों हणी रो। उन समूरो बदन का अजीब आग खां जली रो। उन अखियन अग्या रखी रखी बगारा चप चुमी की शकर ठाए उभरी थे आया जण उन तस्वर के हटाने लाई पैं अखियो मटण थे शुरू क्यों। बुढ़ड़ो अलीव मोटी आयो उनके इं क सोच में वेठल डिठाई त डाढ़ी बाबो मां चयाई छो सोढ़ल किड़न गणतिन में आही कुछ भी कोन्े तू मुझे लाइ का कोठड़ी खोल। उन जड़ सवाल का पान बचाण कान चयो। कोठी में विछायल हंध थे जुती लाहण बिना लेटी पो अलो भी संसाड़ो बीही गोर से संस मुँह में निहारी रो। वो सोढ़ल के वरिन का सुणद हो। तुरखान खिलाफ उनके कारनामन का केर वाकुफ को हो। हर कं बगाव के मुढ़ मुहाड़ में सोढ़ल होंद हो। चाचे वरियाम वाले वाक्य का पोए तो समूरा मानू सोढ़ल के पंजो सगो मिट समझदा हुआ। वही गाल तुरखान में जितरो डप सोढ़ल जो होंद हो एतरो कहजो न हो। सोढ़ल जडे भी ठठे इंदो हो रहो अलू के सराय में हो। अलू भी उनकी खास कोठड़ी उन खाली रख हो चाहे उनके मुसाफिर के पदर में सुमारण पवे। मुसाफिर की खिदमत चाकरी लाए उन बटे मानू हुआ पर सोढ़ल लाए मानी टिकी वो पान खड़ी इंदो हो। संसा हंध पंजे हथन से विछाइंद हो। संसा घोड़ी के दाणो पानी पान दींद हो। सोढ़ल के बागी हुजन की खबर हूँ तो सजी सिंध के हुई पर संसा अंदर के उधमन का बुढ़ड़ो अलू वधीक वाकुफ हो। उनके उनकी तबियत उनके मिजाज की चंगी तरह खबर हुई। अज भी समझी वो हो तो सोढ़ल गाल नो घुरे पर खायस रो न थो
ऐं पुछाई सोढ़ा बुखियो हूंदे कुझु तयारु कराए वठा। न चाचा अलबत वञो आहियां, अथे कुझु रखियल। सोढ़े आहिस्ते चयो, बाबल तुंहिंजे लाइ सभु कुझु आहे। काल अछी जी माटी कलालन ॾेई वई आहे, सा तुंहिंजी मिल्क आहे। घड़ी खां पोइ हू माटीअ वटी सोढ़े अॻियां रखी चुकड़ी करे ॿाहिरि निकिरी वियो। सोढ़े वटी भरी सुर्ख पीती ॼण त मज ते छंडो पइजी वियो। हू अलाए केतिरी देरि पीअंदो रहियो। जीअं जीअं पीअंदो वियो तीअं तीअं निंड हुन जे अखियुनि खां कोई दूर भॼंदी वई। हू पंहिंजे कोठड़ी में अचु वञु कंदो रहियो। हुन जे ज़हन में वाचूड़ा वरंदा रहिया ऐं हू उन्हनि मां जिद छॾाइण लाइ वरी माटी ॾांहुं मोटी थिया आयो। लैला जो हर अंग हुन जे जिस्म में खिउण वांगुरु खिमंदो रहियो। हुन जा चप, हुन जो उघाड़ियूं बाहूं, हुन जा उर, हुन जो तुन, हुन जे जिस्म जी झलक, हुन जे आवाज़ जी लय रखी रखी हुन जे ज़हन खे ॾेभनि वांगुरु ॾंगींदा रहिया ऐं हुन खे पंहिंजे पाण ते कावड़ अची वई। ऐं एतिरो हिणो थी वियो आहियां जो हिकु ज़ाल मुंहिंजे जिस्म, दिलि ऐं दिमाग़ ते छांइजी थी वञे। ऐं हिकु तुरखान ज़ाल जो मुक़ाबिलो ई नथो करे सघां त सिंध तुरखान खां कीअं आज़ादु थींदी। ओचितो सिंध जो नालो ज़ुबान ते ईंदे ई मुंहिंजे ज़हन ऐं जिस्म जी छिक ऐं तणिक लही वई। वाचूड़ा बीह रहिया। हुन वरी उहो नालो उचारियो सिंध, ऐं हुनखे महसूसु थियो ॼण त हुनजे बदन में नओं रतु ओथजो थिए वियो। हुनखे ईअं महसूसु थियो ॼण हुनखे अमृत जो प्यालो मिली वियो। हुन हिकु दफ़े वरी सिंध जो नालो ज़ुबान ते आंदो ऐं हुनखे ईअं महसूसु थियणु लॻो ॼण हुनजे अंदर में जेका छिकताण हुई, जेका बि कशमकश हुई, सा बीही रही हुई। उन नाले ॼण नाग जे मण वांगुरु हुनजे जिस्म मां ज़हर छिके कढी वरितो हो। ऐं हुन ईअं भायो त उन पारस जी संस ज़ुबान सां छुआव जे करे उहो सॼो सोनो थी पियो हो। हुनजे हुनजो हर अंग, हुनजो लिंग लिंग सोनो थी पियो हो। ऐं हुनखे पक थी त हुनजो रतु बि सोनो थी वियो हो। जेकॾहिं हुनजो रतु वियो त हर रतु फुड़े मां हिकु नओं सिंधी पैदा थींदो। हुनजे हर अंग वढण सां सवें अंग पैदा थी पवंदा ऐं हुनखे सिंध जे अमर हुजण जो यकीन थी वियो। पंहिंजे अमर हुजण जे यकीन अची वियो ऐं हुन ॼण नारो हणंदे चयो, जीअ सिंध, सदा जीअ सिंध। उन नारे लहज़े में हुनजा सभु दुख दूरि करे छॾिया ऐं हू मन ई मन में तजवीज़ूं रिथाऊं ठाहींदो बिस्तरे ते लेटी पियो। हुन सोचियो त संघार खे अमीर ख़ान जे नियापे ॾियण जे बहाने पंहिंजे रथ में शामिलु करे जबर हलियो वेंदो ऐं लश्कर गॾु करे ठठे ते चढ़ी ईंदो। संघार जे घर जो सोचींदे हुनखे सांवल यादि अची वियो। सांवल जो मासूम मुखड़ो यादि कंदे हू उथी बीठो। चाचे आलू खे घोड़े संभराइण लाइ सॾु कयाईं। जॾहिं ॿुढड़े आलू खेसि घोड़े जी तयारी जो ॿुधायो, तॾहिं अलाए छो सोढल खेसि भाकुर पाईंदे चयो, चाचा आलू, आऊं ॻोठां थी थो अचां, ॾींहं खां मोटंदुसि। पर उन विच में ठठे में संघार जो ॿुधी त माण्हू मोकिले मुंहिंजे लाइ तरसाइजे। ॿुढड़ो आलू सिंध जे हिन जोधे जवान खे प्यार ऐं सिक मां ॾिसंदो रहियो ऐं जॾहिं सोढल जी कुमेत संस नज़रनि खां ओझल थी वई, तॾहिं हुन आसमानदान निहारींदे भुण भुण कंदे चयो, धणी मुंहिंजा, असां बराबरि सॼी उमिरि गुनाहनि में गुज़ारी, पर तूं असांजे गुनाहनि ॾांहुं न ॾिस, अहिड़नि सोढ़नि खे सलामत रखिजे। मन सिंध वरी मुंहुं खणी मोचारी थिए ऐं दिलि ई दिलि में कुझु पढ़ंदो हिकु डिघो छुकारो भरे सोढ़े जे कोठड़ी में दाख़िल थियो। असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नामियारे नावल नवीस लेखक सिराजुल हक मेमण जे अज़ीम नावल पड़ाड़ो सोई सॾे जी सतीं किस्त। अॼोके प्रोग्राम जा समूरा रंग हवाउनि में विखरी चुका। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींध सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। दुनिया जो पहिरियों सिंधी वेब रेडियो, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, पंहिंजी नशरियात में सिंधी कम्युनिटीअ जो क़ौमी, समाजी ऐं सकाफ़ती तर्जुमान जी हैसियत में कमु करे रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम ऐं लोक मौसीक़ी वसीले दुनिया जे सिंधनि खे हिकु लड़ीअ में पोइण जी कोशिशि करे रहियो आहे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन खे सिंधी वॾे अंग में ॿुधी रहिया आहिनि। रेडियो खे अञा वधीक बहितर प्रोग्रामनि में मुस्तक़िल बुनियादनि ते हलाइण लाइ सिंधी कम्युनिटी पारां माली सहकार जी ज़रूरत आहे। सिंधनि जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर
निज सिंधी कम्युनिटी बेस्ड रेडियो है। माली सहकार लाए बैंक अकाउंट जा तफसील रेडियो जी वेबसाइट ते मौजूद आहिन।